कृष्ण जन्मभूमि केस में ईदगाह कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। एससी ने ईदगाह कमेटी से ये कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट ने मामले में एक साथ सुनवाई का फैसला लिया था। हाईकोर्ट ने सभी अर्जी की एक साथ सुनवाई को कहा है और एक साथ सुनवाई को कमेटी ने चुनौती दी थी। क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसी मामले को लेकर, पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी पीयूष। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ईदगाह समिति से कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो सभी अर्जियां हैं वो एक जैसी हैं, इसलिए वो एक साथ इस मामले पर सुनवाई करेगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया और कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट से जाकर गुजारिश करिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि सभी अर्जियां एक जैसी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपके मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे और याचिका का हम निपटारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट करते हुए उनको ये भी इजाजत दे दी कि आप इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी का निपटारा करते हुए सीधे तौर पर उन्हें झटका दिया है और हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख क्या रहा है इस मामले में। कृष्ण जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की खारिज की है और कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए अपनी याचिका को लेकर।